हम इधर नहीं करते ना, इनका ट्रीटमेंट करो। अभी पेन किलर तो हम लोग लगवा देते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करना होगा ना, वो लोग इसको रखेंगे ना। अभी तो बात ही कर लेते हैं। मतलब ये है कि इसको थोड़ा बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझ गई आपकी बात। पेन किलर चलो हम लगा रहे हैं, मैंने बोल दिया है अभी, लेकिन मैं इसलिए मना कर रही थी क्योंकि इसको अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसको लेके जाना मतलब एक एक मिनट इसके लिए अभी कीमती है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब थोड़ा इसको इंजेक्शन लगाओगे तभी लेके जाऊंगा ना मैं इसको। क्या हुआ इसको, अब बता सकते हो? नहीं सर, नहीं कुछ। आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, पीछे करो उसको। हम इधर नहीं करते ना, इनका ट्रीटमेंट चलो। कैमरा आप नीचे करो। सर एक ना मंकी का केस आया है अभी, उसको तार से बिजली का झटका लगा है ना। ठीक है सर, थैंक यू। मेरी बात हो गई है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनसे, उन्होंने बोला है कि आपको लोकल वेटरनेरियन के पास पहले लेके जाना पड़ेगा इसको, जो आपको शाहपुर ही लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि जिंदा रहेगा ना वैसे ये। हाँ, काफी टाइम से उठाने की कोशिश कर रहे थे पर उठा नहीं पाए क्योंकि बंदरों की वजह से, बहुत से काफी बंदर आ जा रहे थे खाने के लिए, तो इसको उठाया लेके आए। ये हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हम भी एनिमल लवर ही है मिश्रा से। बहू जिंदा है। और अगर वहाँ शाहपुर में भी कुछ नहीं होता तो आप फोन कर देना या ले आना वापस ना। हाँ, क्योंकि अभी तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तब तो फिर करेंगे ही ना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। अब चीजें स्मूथली इसलिए नहीं गई क्योंकि हमारे वेट थे नहीं, और हमारे पैरा वेट्स को डायग्नोसिस का अनुभव ज्यादा डोमेस्टिक पशुओं के साथ है, यानी कि गाय और डॉग्स। इसलिए ज्योति चाहती थी कि वाइल्ड लाइफ वाले इस केस को देख लें। खाया इसने कुछ? इसको मैंने केला खिलाया एक। खाया? हाँ खाया इसने। थैंक गॉड, हम देख लेंगे आगे का। हां, नो प्रॉब्लम जी, मेरे को बस वही था कि इसकी ट्रीटमेंट एक बार हो जाए। छोड़ दीजिए ना मुझे अभी, ये देखो आए बच्चे। आई नो, चलो तंदुरुस्त हो गया तो डरा रहे तो अब है? फिर से कर दिया? कोई चक्कर नहीं, ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा 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 अच्छा, आई आई जान आई थोड़ी सी। उन लोग ने क्या बोला जो अपने चेकअप के लिए लेके गया था? ग्लूकोज वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगाए, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ आप देखो आगे पीपल फार्म जहाँ पे गए थे वो रखते हैं तो ठीक है, तो अपने घर पे रखो, घर में वैसे ही 3 दिन लोग हैं अभी, वो रख नहीं पाएंगे। तो मैम ने बोला था कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो हम वापस आएंगे। ठीक है, थोड़ा रेस्ट करेगा बेटर लगेगा, थोड़ा ना कवर कर देते हैं ना थोड़ा, और ओटी में रख देते हैं। कहाँ कर रहे हैं? हाँ, जो पानी भी पी रहे, ज्यादा ताकत नहीं लेते। नहीं बेटे, ये भी टेल हिला रहा था पर ये हम रिस्पांस चेक कर रहे हैं, वो रिस्पांस शो नहीं कर रहा, पर टेल मूव कर रहा था ये, पर ये लेग्स पे भी रिस्पांस शो नहीं कर रहा था। दोनों में है, पिछलों में दोनों में रिस्पॉन्स नहीं शो किया ना ऊपर ना नीचे, और इतना सीवियर पेन है इस वजह से ज्यादा हैंड मूव नहीं कर रहा है क्या ये वाला? तो इसके पहले पॉलीक्लिनिक में ट्रीटमेंट हुई थी, यहाँ पे जो इसके वाइटल्स चेक किए तो थोड़े से वो एलिवेटेड है, टेम्परेचर भी हाई है, तो इसलिए इसको अभी हम मेलोक्सिकैम प्लस हमने एनएस का सबका शॉट दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन हो जाए इसका, और थोड़ा डिहाइड्रेशन के लिए भी सपोर्ट हो जाए। पेन्स नहीं मिल रही क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत लो है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो वो पंप नहीं हो रही है, तो थोड़ी हाइड्रेशन मेंटेन होगी तो थोड़ी सी वेन्स दिखेंगे, तो हम इसको आई वी फ्लूड्स भी देंगे, और अभी हम इसकी वूंड्स की ड्रेसिंग कर रहे हैं, प्लस हम इसको नर्व टॉनिक्स पे और एंटीबायोटिक्स पे रखेंगे। सो गए? बहुत ज्यादा स्मार्ट है, नहीं देना मैंने तुम लोगों को छूट लो। गाते गाते नेहा उड़ जा, नेहा नेहा, ओ देख नेहा उंगली चाट चाट के खा रही खाने पे, नेहा उड़ जा बच्चे, गुस्सा नहीं होते मेरे भैया से, गुस्सा नहीं होते नेहा, उड़ जा बच्चे।
हम इसके रेस्क्यूअर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतर रहे थे, जिसका एक कारण यह भी था कि इसकी हालत जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब थी, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर इतनी गहरा चोट था तो उस टाइम ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई बालों में से? बाल चिपके हुए थे ना, ब्लीडिंग हुई भी होगी तो बालों में चिपक गए होते, वो तो आपको दिख नहीं रहा था। अभी तो जख्म उभर के आ रहे हैं, बाल नहीं है वहाँ पे। मैं अभी भी आपको ये कह रही हूं, आपको लगता है, मैंने आपको पहले से बोला था कि केसेस में बनते केस नहीं है, है ना? आपको लगता है आप दिखा सकते हैं, आप पालमपुर ले जाइए, केस भी दे देंगे। मैं यहाँ पे लेके आया था आपके पास, मैं अगर जाना चाहता तो मैं कहीं और जाता था। इसको दिन में हम लोग कम से कम 5-7 बार ORS का पानी पिलवाते हैं और बनानास खा रहा है, रोटी खा रहा है, सब खा रहा है, बट इनएक्टिव होता जा रहा है धीरे धीरे। मंकी को हम गर्म करके DNS दे रहे हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर लो है, प्लस उसको हम दूसरे फ्रूट्स भी दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट लॉस को पूरा करने के लिए और डिहाइड्रेशन को भी पूरा करने के लिए। किसी को खोने के बाद दुख पहले गुस्से का रूप लेता है और फिर ब्लेम का, लेकिन बदकिस्मती से ब्लेम उन तक नहीं पहुंचता जिसकी वजह से कोई मरने की कगार पे पहुंचा, पर उन तक जो मरते हुए को बचा नहीं पाए।